हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज हम बात करेंगे गुलदावली को चार ऐसे तरीकों से सेव करने की जिससे अगले साल आप यूं ही जैसा मेरे गार्डन में देख रहे हैं इस तरह की फ्लावरिंग आप भी ले पाएं। और यदि आपको कहीं से गुलदावली की कटिंग मिल जाती है तो आप वहाँ से गुलदावली ला के और अपने घर में नेक्स्ट ईयर के लिए अभी जनवरी में भी सेव कर सकते हैं। देखिए, आज जनवरी का 31 तारीख है और इसके मदर प्लांट को सेव करने के अलग अलग तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये सारे पौधे कटिंग से तैयार पौधे हैं। यदि आप मदर प्लांट से फ्लावरिंग लेना चाहेंगे तो फ्लावरिंग तो आएगी, परंतु उसमें इतने बड़े बड़े फूल कभी नहीं आ सकते। ये सिर्फ कटिंग से तैयार पौधे द्वारा ही आप ले सकते हैं। कटिंग आपको जब बारिश प्रारंभ हो जाए जून जुलाई में, तब आपको कटिंग इसकी लगानी है। और किस तरह लगानी है ये भी बताऊंगा मैं आपको, वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये डहेलिया है, इसको भी सेव करने का नेक्स्ट सीजन के लिए जानकारी मैं, जब इस पर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसकी भी जानकारी आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। देखिए कितने बेहतर और बड़े साइज़ की गुलदावली मेरे गार्डन में है, आपके गार्डन में भी हो सकती है यदि आप फूलों से प्यार करते हैं। मैं तो बहुत करता हूँ। देखिए, ये सारे पौधे कटिंग से तैयार हैं, इस वजह से ही इन पे इतनी बड़ी बड़ी फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। मेरे गार्डन में मैंने चार महीने अलग अलग महीनों में इनकी कटिंग लगाई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। वैसे ही जो जुलाई के लगाए पौधे हैं, अब पूरी तरह से उनमें फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है। अगस्त के लगाए पौधे में कुछ फ्लावरिंग अब सूख रही है, जैसे यहाँ पर आप देखिए। और सितंबर और अक्टूबर के लगाए महीने के कटिंग, अभी उनमें फ्लावरिंग चालू हो रही है, बर्ड्स आ रही हैं। ये देखिए, इन सभी पे बर्ड्स भी हैं, फ्लावरिंग हो रही है। और आज लगभग जुलाई जनवरी ख़त्म होने वाला है। देखिए, अभी फ्लावरिंग पे फ्लावरिंग इन्होंने स्टार्ट की है। ये लास्ट नवंबर अक्टूबर नवंबर के लगाए पौधे हैं कटिंग से। देखिए, इन पर फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो रही है। और इसके पौधे को आप जहाँ भी इसका पेड़ लगा है मदर प्लांट के नज़दीक से थोड़ा खोदेंगे तो जड़ सहित आपको एक पौधा अलग कर लीजिए उसका, और लाके अपने गार्डन में गमले में या ज़मीन पे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जुलाई का पौधा है जो जुलाई में कटिंग से तैयार किया गया था, फ्लावरिंग लगभग समाप्त कर चुका है। और इसको आप नेक्स्ट सीजन के लिए बस इस पर आप पानी डालते रहना है, ये यूँ ही हरा भरा रहेगा। फ्लावरिंग इस पर अभी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। देखिए, इसकी कटिंग मैंने एक ले ली है, ये हार्डवुड नहीं है, बिल्कुल मुलायम कटिंग लेनी है। और सेमी हार्डवुड भी आप ले सकते हैं और जड़ से नज़दीक खोद के भी आप पौधा उसका प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर वो मदर प्लांट ही रहेगा। कटिंग आपको उसकी जुलाई अगस्त में ही लगानी पड़ेगी, तभी उस पर बड़े फूल आएंगे। ये देखिए, इस साइज़ की कटिंग आपको जुलाई अगस्त में काट के अलग करनी है, नीचे के दो तीन पत्तियां हटा देनी है और ऊपर से भी सिर्फ एक आध पत्ती छोड़ के बाकी सारी पत्तियों को हटा देना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये देखिए, सेमी हार्डवुड कटिंग है, इससे भी आप पौधा प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। देखिए, नीचे की पत्तियों को हटा देना है क्योंकि यहीं से जड़ों का विकास होता है। और ये एक पौधा मैं लेके आया हूँ जो कि जड़ सहित है, मैंने इसको मदर प्लांट के नज़दीक से खोद के निकाला है। ये देखिए, ये गुलदावली के कुछ पौधे हैं जिनको मैंने मदर प्लांट के लिए इस साल ख़रीदा था। इन पे फ्लावर 5 या 6 थे जब मैं लेके आया था मार्केट से, 40-40 रुपए मुझे मिला था
इसके फ्लावर जितने ही ज़्यादा हों पौधे पर उतना ही महंगा इसका प्लांट मिलता है, इसलिए मैं कम फ्लावर वाले पौधे ही सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट ईयर इसकी कटिंग लगा के बहुत सारे पौधे घर पे ही तैयार कर लेता हूँ। ये देखिए सेमी हार्डवुड कटिंग है, इसको आप ज़मीन में जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई हैं लगभग वहाँ तक थोड़ा अंदर इसको धंसा के ज़मीन में और हल्का हल्का दबा दीजिए पत्तियाँ निकाल के ऐसे, और लगभग एक महीने में इसमें जड़ों का विकास अच्छे से हो जाएगा, नए कोपले नई पत्तियाँ अभी नया विकास आपको देखने को मिलेगा। ऐसे इसको हल्का दबा देना है। और ये मुलायम कटिंग है जो कि आप जुलाई अगस्त में ऐसी ही कटिंग लगाना है आपको प्रिपेयर करने के लिए मदर प्लांट से काट के। जो पौधा हम अभी लगा रहे हैं उसके मदर वो भी एक मदर प्लांट ही है, आप उससे भी इस तरह की कटिंग ले सकते हैं। देखिए ये तीसरा पौधा जो मैंने जड़ के नज़दीक से खोद के निकाला था, इस पर हल्की हल्की जड़ों का विकास है, इसको भी मैं ज़मीन में दबा देता हूँ। और बेहतर रिजल्ट के लिए रूटिंग हार्मोन का प्रयोग करें, उसमें लगभग 99% चांस होते हैं जड़ों का विकास हो जाने का, इसमें 50% रहेगा, फिर भी असंभव नहीं है, इसमें भी जड़ों का विकास हो ही जाता है। यदि आप 10 पौधे लगाते हैं तो 6 पौधे आपके उसमें सक्सेस होने हैं। अभी देखिए आज जुलाई 31 तारीख है, मैं आज ये पौधे लगा रहा हूँ, ये मेरे मदर प्लांट के लिए सेव किए हुए पौधे हैं, और कुछ पौधे मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए, और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिए ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। देखिए ये मदर प्लांट के लिए हैं, नेक्स्ट ईयर मैं इन्हीं से और पौधे तैयार करूँगा। और देखिए ये पौधे भी देखिए मदर प्लांट के लिए सेव कर रखा है, इसको भी बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगा। ये पौधा मैंने दिसंबर में लगाया था, इसका कलर मुझे पता नहीं था, इसकी सेमी हार्डवुड कटिंग जो जैसी अभी लगाई है वैसी कटिंग मैंने दिसंबर में लगाई थी। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, एक फ्लावर आया है, अब इस पर ज़्यादा फ्लावर नहीं आएंगे, पर ये कन्फर्म है नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इसका मदर प्लांट सेव करूँगा, क्योंकि इसका कलर मेरे लगाए हुए जितने पौधे हैं उनमें सबसे डिफरेंट है, तो इसको मैं ख़राब नहीं होने दूँगा। देखिए कितना बढ़िया विकास हुआ है, दिसंबर का लगा पौधा है ये, मैंने लगभग 15-16 दिसंबर को लगाया था और एक ही फ्लावर आया है, अब इस पर शायद फ्लावर नहीं आएंगे, मगर ये मेरे लिए मदर प्लांट का काम नेक्स्ट ईयर पे करेगा, इसकी कटिंग मैं अगले साल लगाऊंगा। और यदि आपको आपने पुराना पौधा लगा रखा है तो उसे भी देखिए, ये मैंने सेव कर रखा है, इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है, मैंने इसके बाहरी सारे जो सूखे हुए पत्ते फूल थे उनको काट के अलग कर दिया है, ये देखिए। और मैं इस पर पानी डालता रहूँगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, थैंक यू।